1981 में आज ही के दिन पोलैंड के सैन्य शासकों ने मार्शल लॉ लगाकर देश में आपातकाल की घोषणा की थी। सैन्य शासकों ने ट्रेड यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान लेच वालेसा एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। देश में गृह युद्ध की आशंकाओं के मंडराते संकट से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। पूर्वी जर्मनी, सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया की सीमा से सटी पोलैंड की सीमाएं सील कर दी गईं। साथ ही पोलैंड के हवाई क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मकसद देश में बढ़ रहे ट्रेड यूनियन के प्रभाव को रोकना था। 1986 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता पाटिल ने ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गईं। उनकी बेहतरीन फिल्मों में मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशान जैसी कलात्मक फिल्में शामिल हैं, लेकिन नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई थी। भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 1991 में आज एक दिन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के आधार पर दोनों देश वचनबद्ध हुए कि उनमें से कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। इस संधि के बाद दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा। कोरिया प्रायद्वीप पहले एक ही देश था, लेकिन बाहरी शक्तियों ने हस्तक्षेप करके इसका विभाजन कर दिया और आज तक वह एक नहीं हो सका। 2001 में आज ही के दिन भारत की संसद भवन पर हथगोलों और AK-47 बंदूकों से लैस 5 चरमपंथियों ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद संसद भवन के मुख्य गेट पर सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस गोलीबारी में सभी 5 हमलावर मारे गए और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी इस घटना में शहीद हो गए। हमले के वक्त करीब करीब सारे बड़े नेता और सांसद संसद भवन के परिसर में ही मौजूद थे। इस मामले में मोहम्मद अफजल और उसके चचेरे भाई शौकत को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। संसद पर हमले का दोषी पाए जाने पर अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। और 2003 में आज एक दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को बगदाद के तिकरीत नगर में उनके गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। 2003 में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं ने इराक पर हमला किया और कई दिन तक चले युद्ध में सद्दाम को पराजय हाथ लगी। इस हमले में सद्दाम के कई खास लोग मारे गए और जान बचाने के लिए सद्दाम को एक गुप्त ठिकाने में शरण लेनी पड़ी। सद्दाम ने अपने कार्यकाल में ईरान पर युद्ध थोपा जो 8 वर्षों तक जारी रहा। 30 दिसंबर 2006 को इराक में हुए दुजैल नरसंहार मामले में सद्दाम को फांसी दी गई थी।